यो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी स्काईलाइन के इस न्यू एपिसोड में। तो होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, काफी इंटरेस्टिंग गेम है और आई थिंक काफी बढ़िया सिटी बना के रखी है फिलहाल, जितना भी हमारे अचीवमेंट्स और जो कुछ भी हमारा अनलॉक हुआ। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चालू कर दिया, बसेस की सर्विसेस और टैक्सी सर्विसेस हमने एनेबल कर दी थी, तो थोड़ा सा सिटीजन्स को हेल्प हो। लेकिन मुझे मतलब मैंने थोड़ा सा ऑफलाइन ग्राइंड किया, उसमें मुझे काफी कुछ चीजें मतलब नोटिस हुई जो अब भी अगर हमने सॉल्व नहीं की हुई, मतलब अभी उसको उस इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो वो आगे जाके थोड़े से इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो उसी के चक्कर में मैंने रोड कंस्ट्रक्शंस और थोड़ा सिटी का लेआउट बेसिकली चेंज करके रखा है, क्योंकि आगे जाके ये और बड़ी सिटी होने वाली है, तो आई थिंक उसकी शुरुआत हमें कहीं पर पहले ही करके रखनी चाहिए ताकि आगे जाके कुछ ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। क्विकली दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। मतलब पूरी सिटी मोस्टली मैंने हाईवे से कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप अंदर आए तो यहाँ पूरे एंड तक हाईवे है, इसके बाद सिटी वालों को ये सिटी से ऑफिस में काम करने जाना है तो उनके लिए हाईवे, राइट। इंडस्ट्री में काम करने के लिए आना है तो भी उनके लिए हाईवे, और ऐसे ही किधर टाइम पास करने इधर कुछ तो है मैंने रखा होगा। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐसा टूरिस्ट स्पॉट वगैरह करके रखा है, फुगे वुगे बना के रखे है ऐसे। ये देखिए, आप देख सकते हो कहाँ पे गए ये फुगा, ये देखिए ये जो फुगा है ये लोग यूज़ कर सकते हैं अपेरेंटली, तो मैंने ये भी यूज़ करके रखा है। तो ऐसे फुगे भीगे उड़ाने या किधर कुछ टाइम पास करने के लिए जाना है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो बेसिकली पूरे सिटी को मैंने हाईवे से कवर करने की कोशिश की है ताकि जिसको भी जाना है, जिसको जिधर जाना है एक बार फाइनल हो गया तो उसको बीच बीच के रास्ते से नहीं जाना चाहिए। अपने पास हाईवे रेडी है, हाईवे पे आ जाओ, निकल जाओ और मतलब देख लो क्या करना है वो। तो ये थे मेरे चेंजेस, बेसिकली जिसको जहाँ पे जाना है वो जा सकता है। और हमारे पास ट्रैफिक हो रहा है हाईवे को, ये क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये लोग आ रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे हमारे बड़े बिल्डिंग वाला एरिया है और यहाँ पे ऐसे छोटे घर या बंगलों वाला एरिया है। तो लोग आ रहे हैं यहाँ से, जिनको किधर जाना है, एक मिनट इनको स्लो करते पहले, ये तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जा रहे हैं लोग। ये जा रहे हैं गोइंग टू वर्क, ठीक है, ये जा रहा है गोइंग ड्राइविंग टू वर्क, सब लोग काम के लिए जा रहे हैं और ये हाईवे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये क्या हो रहा है देख लेते, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा हमें। तो ओके, तो यहाँ से लोग आ रहे हैं जो यहाँ पे रुक रहे हैं, हमारे सिटी से लोग आ रहे हैं जो ये लेन में पकड़ते, और मतलब इंडस्ट्री जोन में जाना है तो काफ़ी लोग ये लेन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो एक तो है कि हाईवे पे ये लगने वाले लोग हैं जो राइट में नहीं मुड़ते, लेकिन ये पीछे से जो आ रहे लोग वो राइट में जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आई थिंक हम लोग इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ से कनेक्टिविटी दे देनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ही पीछे से ही कर देते। तो यहाँ से एक रास्ता निकला, आई थिंक इसको मैं ऊपर से ही ले लेता हूँ। तो तू भाई आ जाए यहाँ पे। हम लोग ऊपर से क्यों जा रहे हैं भाई, हम लोग नीचे से जाते हैं, हमें कुछ ज़रूरत नहीं ऊपर से जाने का, क्यों ऐसा इतना टफ वाला काम करना है हमें? हम लोग के पास दिमाग है और हमने पास जगह भी है, प्रॉब्लम क्या है? ये चले हम लोग अंडरग्राउंड, अगर ऊपर से जा सकते तो नीचे से भी जा ही सकते। तो ये चले हम लोग यहाँ पे निकले और यहाँ से ऊपर आ गए यहाँ पे, कूल। तो मैंने होपफुली लोग ये रास्ता पकड़ेंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ कि सच में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। कूल, लग तो रहा है कि वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बेसिकली दो तीन इंटरसेक्शंस आ रहे थे रोड के बीच में, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। कूल, तो हमने आई थिंक ट्रैफिक का प्रॉब्लम वहाँ का सॉल्व करके रखा है। तो अभी हम लोग दूसरे नए प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। तो ये एपिसोड का मकसद ऐसा है कि हमें थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो मतलब हमारे जो इंडस्ट्री एरिया है यहाँ का, वो हमेशा हमारे जो कमर्शियल जोन है या हमारे सिटी के बेसिकली जो शॉप्स है उनको मतलब प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करता है, लेकिन हम लोग का एक्सपोर्ट इतना नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो आप हमारा एक्सपोर्ट इतना नहीं है और इंडस्ट्री जोन से हमें इतना ज़्यादा इनकम नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि
परसेंट ही हमारा खाली इंडस्ट्री जोन और ऑफिस जोन से इनकम है, तो ये तो गलत बात है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। तो आई थिंक आज का एपिसोड मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि हमारे लैंड में नेचुरल रिसोर्सेस कितने हैं, तो वो मुझे कहाँ पे दिखेगा? नेचुरल रिसोर्सेस देखिए, तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला है ये सब फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा काला वाला इधर एरिया भी है जहाँ पे ऑयल, मतलब ऑयल एक्सट्रैक्शन हो सकता है। तो पहले तो मैं रोड बना देता हूँ। कूल, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया। अभी मुझे आई थिंक जोनिंग करना पड़ेगा। कूल, तो मैंने ये एरिया को डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आई थिंक, तो अभी यहाँ पे हम इसको ऑयल इंडस्ट्री का स्पेशलाइजेशन देने वाले हैं। अभी मैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री से मार्क करता हूँ, तो वो सारी फैक्ट्रीज वो टाइप के, मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे तो वो यूटिलाइज करते हैं बेसिकली। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वाले लैंड पे मेरा ऑयल ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल इंडस्ट्रीज तैयार करके रखी है। तो कूल, तो ये हमारा रोड हो गया। यहाँ पे मैं वापस जून कर देता हूँ। आई थिंक ये हमारा फॉरेस्ट वाला एरिया था। अगर मैं यहाँ पे जाके नेचुरल रिसोर्सेज देखूँ, तो जी हाँ, ये जो ब्लैक वाले हैं ये हमारे मतलब ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, और ये जो ग्रीन जोन है हमारा, यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन दे सकते हैं। कूल, तो हमारे ऑयल इंडस्ट्री अभी आप देख सकते हो कि कैसे हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो इंडस्ट्री का एरिया है वो ऐसे ही रखा है, नॉर्मल फैक्ट्री है, कुछ भी किसका फैक्ट्री है क्या पता। ये क्या है, बेस्ट पार्ट्स का कुछ तो फैक्ट्री। ये क्या है, हाई टेक गैजेट्स बना रहा है। ये क्या है, फायर स्टेशन है। अच्छा, ये फैक्ट्री नहीं, एक एरो डिज़ाइन है। तो ऐसे जेनरिक फैक्ट्रीज यहाँ पे मैंने सेटअप करके रखी है, और यहाँ पे क्या यहाँ पे मैंने ऑयल इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करके रखी है। तो आप देख सकते हो कि हमारे सब ऑयल की फैक्ट्री है, तो यहाँ से ऑयल निकालने का काम वो लोग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट का भी मैंने करके रखा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट इंडस्ट्री सेटअप करके रखी है, क्योंकि यहाँ पे झाड़ आ सकते हैं, तो क्या पता फॉरेस्ट इंडस्ट्री से कुछ तो करने वाले रह गए, बेसिकली वुड सप्लाई करेगी आई थिंक। लेकिन हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा और बढ़ गया है, यहाँ पे लोग नहीं है ऐसा वो बोल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई थिंक यहाँ पे मैं एक पॉलिसी अप्लाई कर सकता हूँ कि पढ़ाई मत करो, ये एजुकेशनल बूस्ट मैं हटा देता हूँ। इसके बाद आई थिंक लोगों को हमें बेसिकली बताना है कि भाई पढ़ो मत तो लोगों को हमें पढ़ाई नहीं करने को बोलनी है। कूल, आप लोग क्या बोल सकते हैं? क्या कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं, काम करो भाई लोग, ऐसा हमें इनको बोलना है। तो आई थिंक ये एजुकेशनल बूस्ट मैंने हटा दिया है, तो ये डेफिनेटली वो उसके काम करेगा कि मतलब लोग पढ़ाई छोड़ के काम करेंगे, जो कि हमको चाहिए अभी इंडस्ट्री को, ये बंद नहीं होनी चाहिए भाई। और मैं देखता हूँ यहाँ पे लोगों को फोर्स कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे, अब अनएजुकेटेड वर्कर लाऊँ तो कहाँ से लाऊँ? एक काम मैं कर सकता हूँ, सालों को पैसा ही नहीं देने का पढ़ने के लिए। जी ये सही है, हमारा एलिमेंट्री स्कूल का बजट कहाँ पे है? ये स्कूलिंग बजट ना आधा ही कर देता हूँ मैं, साला पढ़ने को जब पैसा ही नहीं है, मतलब पैसा ही नहीं देगा पढ़ने के लिए, तो साला कोई पैसा नहीं मिलेगा तो कोई सीख भी नहीं पाएगा। अगर कोई सीख भी नहीं पाएगा तो हमारे अनएजुकेटेड वर्कर्स बैठेंगे, अनएजुकेटेड वर्कर्स बैठेंगे तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग आएंगे। अनएजुकेटेड लोग क्या, मतलब इतनी क्या कमी है हमारे पास, इतना क्यों पढ़ रहे लोग, नहीं पढ़ने चाहिए इतने लोगों ने। हमको चाहिए अनएजुकेटेड वर्कर, तो चाहिए हमको अनएजुकेटेड वर्कर, क्या प्रॉब्लम है इनको? और पैसा घटा देगा, और पैसा घटा देते हैं हम लोग, एजुकेशन करने ही नहीं देना भाई लोगों को। नाइस, एक एक अनएजुकेटेड वर्कर बढ़ रहा है, कि यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे दो आए। नाइस, हम पैसा ही नहीं देंगे तो पढ़ेंगे कैसे भाई, ऐसा स्ट्रेटेजी यूज करना रहता है। ये कौन है, निकल तू भी बाहर, ये कौन गया, ये फैक्ट्री है ना, तू भी बाहर निकल। कूल, तो आई थिंक वो एजुकेशन घटाने से हमें थोड़े से जो अनएजुकेटेड वर्कर मिले यहाँ पे उसे काम हो गया आई थिंक। तो हमारे पास पहले बेसिकली जगह नहीं है, किया क्या सिंक्रोनोमो पार्क में नाम बदल सकता हूँ क्या मैं? हाँ, इसको नाम देते हैं झाड़ इंडस्ट्री, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरेस्ट स्पेशलाइजेशन करके रखा है। और यहाँ पे दे देते इसको ऑयल इंडस्ट्री, नहीं तेल इंडस्ट्री, भाई हम लोग झाड़ लिख रहे तो तेल क्यों नहीं लिख सकते, तेल इंडस्ट्री। आगे क्या नाम इनका, सॉरी रॉन्ग कैमरा एंगल,
नाइस। तो यहाँ पे हमारा तेल इंडस्ट्री है, यहाँ पे वाटिका शैम्पू तेल निकलने वाला है, और यहाँ पे झाड़ इंडस्ट्री है जो कि झाड़ निकाल के कुछ तो करने वाले हैं। कूल। तो मैंने थोड़ा सा और लैंड बढ़ा के हमारे फुल जितना भी एरिया अवेलेबल है ऑयल और बेसिकली फॉरेस्ट इंडस्ट्री के लिए, तो वो एक्सपांड कर दिया है। तो आई थिंक इट वाज अ प्रोडक्टिव एपिसोड। हमने ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व किया और हमारा इंडस्ट्री एक्सपांशन किया जो कि बहुत ज़रूरत था। मतलब हमारे पास है जो ऐसी पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री तैयार करते जो कि क्या पता क्या करते, लेकिन कुछ तो करते भाई। अपने सिटी में जो भी शॉप्स वगैरह रहेंगे उनको कुछ सप्लाई चेन का सप्लाई का काम करते। तो मतलब एक हमारा जेनरिक इंडस्ट्री भी हो गया जो हमारे सिटी के लिए, और हमने एक मतलब बेसिकली बाहर के दूसरे सिटीज़ को सर्व करने के लिए, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उसका भी तैयारी करके दिखा। तो आई थिंक हम लोग आप देख सकते हो अभी इंडस्ट्री इंडस्ट्री। तो हमारा कुछ ये एपिसोड के पहले 7% के आसपास था, वो अभी 11% हो गया है, मतलब 4% हमने बढ़ा दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट से हम लोग मतलब कुछ 2,200 डॉलर्स वीकली कमाई कर रहे हैं, और ऑयल से हम लोग 1,200। तो मतलब ये पहले तो आंकड़े ज़ीरो थे, और ये आई थिंक कुछ मतलब 7-6% के आसपास था। तो आई थिंक हमने थोड़ा सा प्रोग्रेस कर दिया है। तो आई थिंक इट वाज अ प्रोडक्टिव एपिसोड। हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करके रखी हमारे इंडस्ट्री सेक्शन के लिए हमारे सिटी के, जो कि मतलब थोड़ा सा पीछे रह गया था। मतलब बाकी सिटी डेवलप हो गई थी, लेकिन इंडस्ट्री एरिया कुछ ज़्यादा इतना डेवलप नहीं हुआ था। सो इट वॉज़ अ गुड एपिसोड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया तो डू ड्रॉप अ लाइक और कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो या थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर।